बड़ी खबर आ रही है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरा गोगी की करप्शन की दास्तान सामने आई। फरा गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा। फरा गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं। इसके अलावा उनके गैर जाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। सिर्फ 3 सालों में जाहिरी असासों में 420 फीसद, गैर जाहिरी असासों में 15,300 फीसद इजाफा हुआ। ये असासे फरा गोगी की जाती मिल्कियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। एसईसीपी रिकॉर्ड के मुताबिक फरा गोगी मुख्तलिफ कंपनीज में हिस्सेदार हैं। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में 2018 से 2022 तक 47 मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के जरिए डिपॉजिट करवाया गया। आपको बताएं कि फरा गोगी के असासों के हवाले से एक उनके करप्शन की अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है। इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अश्तर औसाफ साहब। बहुत शुक्रिया अश्तर औसाफ साहब आपका वक्त देने के लिए। आप क्या चल रहा था सर, ये साबिका दौर में इतनी करप्शन की गई, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया, अजब करप्शन की गजब कहानी सामने आई है, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? साहब बात ये है कि ये बातें तो कई बरस से हम सुन रहे हैं कि हर दौरे हुकूमत में उसी हुकूमत के जो चली जाती है या होती है उसके करप्शन की बातें होती हैं। बात तो शवाहिद के हैं और अगर शवाहिद मौजूद हैं, और चूंकि आपने सारा जो जिक्र किया वो कागजात के ऊपर है, वो चीजें हैं जो एससीसीपी में है, जो डिक्लेयर्ड उनके असासे हैं, उसमें जो बढ़ोतरी है यानी वो जिस तरीके से वो बढ़े हैं, जाहिर है उसका उनको तमाम हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिए एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जिस जिन हालात में, जिन वाकयात में, जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था और जहां से उनको वो इनकरेजमेंट थी, ये सब की सब बातें जो हैं ये इस चीज की गमाजी करती हैं कि जो बातें की जा रही थी करप्शन को रोकने की और इंसाफ देने की, काम तो उसके बिल्कुल बरअक्स था। और इसके अंदर आप एक और चीज, बड़ी ही चीज देखेंगे आप, और ये सब कड़ियां मिलती चली जाएंगी आपको जब आप देखेंगे कि अलकादर ट्रस्ट जो है उसको फॉर्म किया गया, वो क्यों फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, उसकी जमीन कहाँ से आई, कितने पैसे में ली गई और उसके पीछे फरा कैसे थी। और आपको ये भी इल्म है कि उन्होंने कई और ट्रांजैक्शंस में भी उनका नाम लिया जा रहा है, और उनमें से एक ट्रांजैक्शन है कि उन्होंने वो घड़ी भी जो इमरान खान साहब को दी गई थी सऊदी अरेबिया के वली अहद की तरफ से, उसको भी वही लेके गई थी सेल के लिए। तो ये तो जो है एक जाला बुनता जला जा रहा है, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है। और ये उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, और अगर उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि इमरान खान साहब इसमें या उनका खानवादा जो है उसमें उनकी एहानत कर रहा था, तो एक बहुत खौफनाक और वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगी। जी अश्तर औसाफ साहब, चेयरमैन पीटीआई जब इख्तदार में आए थे तो दावा तो वो ये लेकर आए थे, उनकी जानिब से दावा ये किया जाता रहा कि करप्शन का खात्मा करूंगा मुझे अगर इख्तदार मिला, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की नाक के नीचे ये सब काम होता रहा, तो कसूरवार तो वो भी हुए ना फिर? अब देखना ये है कि नाक के नीचे था या उनकी एक्टिव एयानत भी उसमें थी। जब घड़ी आप किसी को दें कि जी इसको जाके बेच दो, तो वो नाक के नीचे तो ना हुआ, वो तो एयानत हो गई। अगर आप एक बहुत बड़ा ट्रैक ऑफ लैंड लेते हैं तो वो नाक के नीचे तो ना हुआ, तो उनके अपने ट्रस्ट के नाम वो लैंड आया। इसी तरह जो और लैंड्स उन्होंने खरीदे, आप देखें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन दायर किया ईसीपी के पास, तो उसमें उन्होंने कहा मेरे पास 4 बकरियां हैं जिनकी मालियत 2 लाख रुपए है।
जब आप इतनी माइन्यूट तरीके से ये बातें बताते हैं और दावा करते हैं कि मैंने देखिए चार बकरियां तक अपनी जो है डिक्लेयर कर दी, और आप डिक्लेयर नहीं करते वो पैसे जिनके जरिए आपने वो घड़ी को पहले खरीदा, सही, और वो पैसे जिनके जरिए घड़ी बेचने के बाद आपने लिए, तो ये नाक के नीचे तो नहीं है, सही, ये तो ठीक है। अशरफ असाफ साहब, कथा कलामी की माजरत, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आया। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, दावा करप्शन के खात्मे का, लेकिन सबूतों के साथ अब इनकी करप्शन बेनकाब हो रही है। फरा गोगी साहिबा की 3 सालों में ज़ाहरी असासों में 420% उनके असासों में इजाफा हुआ है। एक तरफ करप्शन के खात्मे का बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इस तरह से करप्शन को लगे ही जा रहे थे, बस पैसा कमाई जा रहे थे, ये तजाद था, क्या था सर ये? देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है जो कि इमरान खान मांग रहे हैं कि उनके लिए जो लूट मार है, जो पिंकी और गोगी हैं वो इस तरह लूटती रहे, सारे कोई अदारा पूछे ना, यानी यहाँ पर तो अगर आप किसी के असासों में सियासतदान के कोई 10% इजाफा हो तो उस पर नजरें आ जाती हैं और उस पर 20 इंक्वायरियां आ जाती हैं, इतने इतने 100% इजाफा, और ये तो अभी डिक्लेयर्ड एसेट है, अनडिक्लेयर्ड एसेट, और जो फ्रंट मैनों के थ्रू इन्होंने किया है वो इसके अलावा है, और ये कहानियां बहुत ज्यादा हैं, और ये चाहते इमरान खान के ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ना दलिया पूछे, ना दारे पूछे, अगर कोई अफसर पूछे तो उसको हटा के उसके ओहदे से परे किया जाए और अदलिया उनकी मर्जी की हो, कोई सुनामी ट्री पर भी स्टे हो, पिशावर BRT पे भी स्टे हो, फॉरन फंडिंग पे 8 साल का स्टे हो, आपकी अपनी जो घड़ी का मामला है, आपके मेरी घड़ी मेरी मर्जी, यानी ये सारा ये सब कुछ जो है ये लोगों को पहले ये पता होना चाहिए, और इसका हिसाब इमरान खान ने देना है, नहीं तो गोगी की बेचारी की क्या हैसियत है पंजाब में, ये तो दर्जा चहारम का आदमी ट्रांसफर नहीं करा सकती थी, जो पूरे पंजाब में IG से लेके स्पाई तक और पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक अपनी मर्जी के लगवाती रही पैसे लेके, तो ये सब कुछ जो बनीगाला इसका महबर था, जो कि मनीगाला था, ये गोगी लीक्स और पिंकी लीक्स असल में इमरान की करप्शन की चंद झलकियां हैं। ठीक, अच्छा तलाल चौधरी साहब, टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी आपको याद होगी कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी दी गई थी चेयरमैन PTI के दौर में, और उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया था फरा गोगी साहिबा ने, तो अब जैसे जैसे इनके कारनामे सामने आ रहे हैं, टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, अरबों के असासे जो हैं वो खरबों में उनके बनते जा रहे हैं, तो क्या ये फरा गोगी साहिबा के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी या ये आम आवाम के लिए हुकूमत थी? आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला, बल्कि जो दावे किए गए थे आवाम से कि भाई आपको रोज़गार देंगे, आपको घर देंगे, वो तो सारे दावे हवा हुए, तो क्या फिर ये इन लोगों के लिए हुकूमत थी जिन लोगों ने माल बनाया? देखिए, तब्दीली का नारा लगाया गया था और खान साहब ने वाकई तब्दीली जो है उसके फरा गोगी की जिंदगी में, आंटी पिंकी की जिंदगी में असल तब्दीली आई है, यानी वो जिनको पास पहले आम अंगूठी नहीं होती थी वो हीरे की अंगूठी पहनती थी, और ये लोग जिनका कोई वहां स्पाई कहना नहीं मानता था, इनके पीछे पीछे IG इनकी मर्जी से लगते थे, ये उसका सौदा करती थी, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर की पोस्टें बिकती थी और उसके पैसे इनको जाते थे, और ये सब कुछ जो था ये खेल होता रहा है, और ये असल तब्दीली है, और तब्दीली इनकी जिंदगियों में आई है, ये क्या कहते हैं, जिनके पास लाखों रुपए नहीं थे वो अरबों के मालिक बने हैं, और ये हिसाब इमरान को देना है, नहीं तो ये अदरवाइज ये सब कुछ हो नहीं सकता था, अगर इमरान खान के साथ इन दोनों का तलक ना होता, आंटी पिंकी का और गोगी का, और ये लीक्स जो है गोगी लीक्स पिंकी लीक्स, ये असल में इमरान की करप्शन की दास्तान। और हमने ये देखा कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होती है तो इस भयानक वारदात के जो ये मरकज़ी किरदार हैं, फरा गोगी साहिबा हो गई, ये मुल्क से फ़रार हो जाती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इनको एक बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत यहाँ से मुल्क से फ़रार करवाया गया, कि अब उनके पीछे लगे रहें, उनको बुलाते रहें लेकिन वो अब मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा क्यों होता है तलाल चौधरी साहब? इसमें तो ये यकीनी बात है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये वो उनको उसके बाद इमरान खान उनके हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं कि वो बेचारी घरेलू औरत, वो बेचारी ने क्या किया है, उसने तो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की पोस्टों की नीलामी की है ना, ये कौन सा कोई कसूर है,
और अगर उसने 2-4-10 प्लॉट किसी रिश्वत में लिए हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। और लाहौर के गली मोहल्ले इन दो दोस्तों की, गोगी और पिंकी की जो दास्तानें हैं वो सारे लाहौर के लोग जानते हैं, वो मैं बताऊं तो मुझे देव नहीं मिलता। ठीक, अच्छा तलाल चौधरी साहब साथ ही रहिएगा, अश्तर औसाफ साहब से भी इधर मैं लीगल ओपिनियन लेना चाहूँगा। अश्तर औसाफ साहब, अब इनको, अब चूंकि ये तो बाहर चली गई हैं, जब इतने करप्शन के सबूत इनके सामने आ रहे हैं, इनकी करप्शन बेनकाब हो रही है, तो इनको वापस कैसे लाया जा सकता है, हिसाब कैसे लिया जा सकता है इनसे? जी कुछ मुल्कों के साथ तो हमारी एक्सट्रेडिशन वगैरह का सारा सिलसिला है, मसलन अगर वो दुबई में है तो वहां से इनको लाया जा सकता है। इंग्लैंड के साथ हमारा एक्सट्रेडिशन का मुआहिदा नहीं है, लेकिन अमरीका के साथ है। और अब जब ये मामला जो है वो इसको देखेंगे तो जाहिर है ये सारे के सारे, और ये जो इसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे केस पर रजिस्टर करते हैं, उसके बाद आपकी जो हुकूमत है वो अटॉर्नी जनरल के जरिए रिक्वेस्ट करती है फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस, और वो म्यूचुअल असिस्टेंस का कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस ले आए हैं, और खुद पीटीआई ने उसको चैलेंज, यानी चेयरमैन पीटीआई ने चैलेंज किया था। अब अगर वो नैब का कानून में जो म्यूचुअल असिस्टेंस की बातें थी जिसमें उस कानून को स्ट्रीमलाइन किया गया था वो वापस आ गया है, और उसका नुकसान उन्हीं को होगा। और ये सारे मामलात जो हैं ये बड़े अहसन तरीके से ये किए जा सकेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में एक एक आलमी किस्म की मुहिम चल रही है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ। ठीक, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। सही, क्योंकि अगर हमारे पास एविडेंस है और एविडेंस यकीनन डॉक्यूमेंट्री है तो इनको वहां से लाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। नासिर हुसैन शाह साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। करप्शन का खात्मा करेंगे, आके जिन लोगों ने बदउनवानी की है उनको पकड़ेंगे, ये नारा लगाकर